हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वरद 121 कुल कलेक्शन। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक रेसिपी वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी कि गेहूं का जो गला हुआ आटा रहता है रोटी का, उससे हम पापड़ किस तरह बना सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड से बनाया गया है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पापड़ बनाने की। सबसे पहले हमने ये आटा लिया है भीगा हुआ, इसके अंदर 2 से 3 कप पानी डालकर इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, चलिए अब हम आटे को देखते हैं। आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, अब इसे हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और घोल बना लेंगे। आटा पानी में अच्छे से घुल चुका है, अब इसे हम एक बार अच्छे से छान लेंगे। हमने घोल को 2 बार अच्छी तरह से छान लिया है, अब इसे हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और उसे 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। 5 से 6 घंटे बाद हम देखते हैं कि घोल में से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ऊपर आ जाता है और गाढ़ा घोल नीचे जम जाता है। जो एक्स्ट्रा पानी रहता है उसे हम धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। घोल में से पानी निकालने के बाद में उसे हम अच्छे से हिला लेंगे। अब हमने लिया है थोड़ा जीरा और उसमें हमने डाली है 2 लाल मिर्च, उसे हम अच्छे से कूट कर बारीक कर कर और घोल में मिक्स कर लेंगे। अब हमने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें पानी रखा है उबलने के लिए, और हमने साथ ही 2 थालियां ली हैं जो उस बर्तन के ऊपर अच्छे से आ। अब थालियों पर हम तेल लगा लेंगे, लेकिन हमें बहुत सारा तेल नहीं लगाना है, एकदम हल्का हल्का तेल लगाना है। जब पानी उबलने लग जाएगा तब हम उस थाली में घोल को फैलाएंगे और छोटे छोटे पापड़ बनाएंगे। हमारी थाली में 3 पापड़ इजीली बन सकते हैं, इसलिए हम उसमें 3 पापड़ बनाएंगे। आपकी थाली में इजीली जितने पापड़ बन सके आप उतने पापड़ उसमें बना सकते हैं। अब हम ये थाली बर्तन के ऊपर रख देंगे। थोड़ी देर बाद पापड़ का कलर अपने आप बदल जाएगा। जब पापड़ का कलर पूरी तरह बदल जाए तब हम उस थाली को ढक कर रख देंगे। थोड़ी देर बाद जब हम थाली खोलकर देखेंगे, अगर हमारे पापड़ के ऊपर बारीक बारीक दाने आ गए हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। ये पापड़ मुश्किल से 2 से 3 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इन्हें हम चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं हमारे पापड़ एकदम ही ट्रांसपेरेंट और पतले बने हैं। इन्हें हम किसी भी प्लास्टिक के ऊपर धूप में या घर के अंदर सुखा सकते हैं। अगर आप इन्हें धूप में सुखाएंगे तो ये 1 दिन में अच्छी तरह से सूख जाएंगे।
हमारे पापड़ अच्छी तरह से सूख गए हैं, अब इन्हें हम तलेंगे। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में तेल लिया है और जिसे गरम कर लिया है। पापड़ को जैसे ही तेल में डालेंगे वो डबल साइज़ का हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पापड़ बहुत ही अच्छे बने हैं। अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारी यह रेसिपी ट्राई की है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके पापड़ कैसे बने हैं। अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।